देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये भारत बंद एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है। भारत बंद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर नेटवर्क 10 के संवाददाता लालचंद ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से खास बातचीत किया, ये आपको सुनवाते हैं। एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर आज भारत बंद का दलित संगठनों ने ऐलान किया है। इसी कड़ी में तमाम पार्टियां भी विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर कर करती हुई दिखाई दे रही। आप देख सकते हैं कि समय मौजूद है लखनऊ के हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा पर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें बड़ी संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है कार्यकर्ता है वो अंबेडकर प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंक, इस तरीके का पोस्टर भी लिए हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से एससी एसटी में क्रिमिनलियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद आज चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें और चाहे आजाद समाज पार्टी की बात करें, चाहे आरपीआई की बात करें, ये तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो दलित संगठनों के साथ समर्थन दिया है और भारत बंद में के ऐलान में शामिल हुए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। मैडम, आप लोग प्रदर्शन किस लिए कर रही हैं? देखिए, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला आया है, जो असंवैधानिक फैसला है, हम बहुजन समाज के लोग उस फैसले का विरोध करते हैं और उसी के लिए हमारे बहुजन समाज के अंदर एक आक्रोश है। हम उस आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्यों इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे उतर कर? जब शासन और प्रशासन सुनवाई नहीं करेगा तो बहुजन समाज को ऐसे ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हम 85% हैं, लेकिन 15% वाले ही केवल राज कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनोखे तरीके से विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है जंजीर बंधी हुई है, ताला लगा हुआ है और ये मिटकी भी जो है वो टांग रखे हैं। इस तरीके का प्रदर्शन करने का क्या मतलब? ये गुलामी जंजीर है जिसको बाबा साहब ने तोड़ी थी, बड़ी मुश्किल जंजीर टूटी थी, वरना उससे पहले हमारे रोड में हांडी थी और भी झाड़ू बंधा होता था। हमें रोड पर चलने आजादी नहीं थी, हमें पानी पीने आजादी नहीं थी, हमें कोई आजादी नहीं थी जिसको बाबा साहब ने हराया था। आज ये बीजेपी चाहती है कि हम फिर से गुलाम बन जाए, हमें गुलामी राह पर ले आ रही है और जो हमें स्वीकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज भारत बंद के ऐलान में जहां समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है तो वहीं आजाद समाज पार्टी या आरपीआई ने भी समर्थन दिया है और शायद यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में जो बसपा सुप्रीमो है मायावती ने जिस तरीके से अपील की थी, उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर कर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जो एससी एसटी में क्रिमिनलियर लागू करने को लेकर निर्देश दिया था। लखनऊ।